नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत आज की 9 सबसे बड़ी खबरों के साथ हम करेंगे। एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे इन तस्वीरों के जरिए। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि राफेल डील के लिए भारत सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम प्रस्तावित किया था और डसॉल्ट एविएशन के पास दूसरा कोई भी विकल्प था ही नहीं। उधर भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच न्यूयॉर्क में होने वाली बातचीत रद्द कर दी गई है। इस महीने के आखिर में यह वार्ता होनी थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की काराना करतूत सामने आई है। आतंकवादियों ने 3 पुलिस वालों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी है। उधर रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी को शहरी नक्सलियों का समर्थक बताया और कहा कि वो इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करें। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पूर्व सांसद सोमेंद्र नाथ मित्रा को पश्चिम बंगाल इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में 97,000 करोड़ रुपए के खर्च पर कैग ने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में जिस वक्त का जिक्र किया गया है, उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी। ये 7वीं तस्वीर। केरल में नन से बलात्कार के आरोप में जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल पोप ने उन्हें पद से मुक्त कर दिया था। दिल्ली के रोहिणी के एक अस्पताल में भर्ती 11 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। आरोप वहां काम करने वाले एक सफाई कर्मी पर लगा है। और ये 9वीं तस्वीर आपके सामने है सेंसेक्स की, जिसने आज 1000 अंकों से ज्यादा का गोता लगाया तो हाहाकार मच गया। हालांकि बाद में मार्केट थोड़ा संभला सुधरा। 4 दिन में 5,62,000 करोड़ का चूना निवेशकों को लग चुका है। तो ये आज की 9 बड़ी खबरें सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाए और अब शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक दिन पहले पाकिस्तान के दोस्ती के पैगाम को मंजूर करने के बाद भारत ने आज मुलाकात की पेशकश को खारिज कर दिया। बीएसएफ जवान के शव के साथ हुई बर्बरता और जम्मू कश्मीर में आज 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के साए में सरकार ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली मीटिंग रद्द कर दी और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान का असली चेहरा सामने आ गया है, वो भी उनके कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही। उनके वार्ता के प्रस्ताव के पीछे उनके नापाक इरादे हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर जो सख्त बयान भारत की तरफ से आया है, उसके बाद मुद्दा सिर्फ न्यूयॉर्क में होने वाली विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत का नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या भविष्य में कभी बातचीत हो भी पाएगी या नहीं। हमारे सुरक्षा कर्मियों की बर्बरता पूर्वक हत्या की और पाकिस्तान ने आतंकवाद और आतंकवादी के सम्मान में उनको ग्लोरीफाई करने के लिए 20 डाक टिकट जारी किए। ऐसे माहौल में पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जिस तरह भारत ने बातचीत का प्रस्ताव पहले स्वीकार किया और फिर जिस अंदाज में बातचीत को रद्द किया, उसमें बड़ा सवाल यही उठा कि क्या भारत की पाकिस्तान को लेकर कोई नीति नहीं है। क्योंकि भारत ने जब प्रस्ताव स्वीकार किया, उससे पहले ही पाकिस्तान बीएसएफ जवान नरेंद्र कुमार के शव के साथ बर्बरता कर चुका था। सीमा पर आतंकी गतिविधियां जारी थी। पाकिस्तान आतंकियों को महामंडित करने वाला स्टाम्प जारी कर चुका था और ऐसा कोई संकेत पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला था जिसमें लगे कि पाकिस्तान वास्तव में दोस्ती की राह देख रहा है। ऐसे में क्या बिना किसी ठोस रणनीति के पाकिस्तान की बातचीत की पहल का सकारात्मक जवाब दे दिया गया और क्या अब राजनीतिक दबाव में बातचीत को रद्द किया गया है? उसके विदेश मंत्री के साथ न्यूयॉर्क में बैठ के ये बिरयानी खाएंगे? इससे बड़ी असंवेदनशील सरकार क्या हो सकती है? कहां गई वो 56 इंच की छाती? हमारी केंद्र सरकार इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है? प्रधानमंत्री जी कुछ करते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री बनने के पहले वो कई बातें किया करते थे। वो कहते थे लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। वो कहते थे कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तो दीजिए ना। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐन मौके पर भारत ने बातचीत रद्द की है, लेकिन यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है, वो ये कि क्या बातचीत रद्द होने के बाद घाटी के हालात और बिगड़ेंगे। एबीपी न्यूज के लिए प्रणव उपाध्याय की रिपोर्ट।
पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा है जिस पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत सरकार को इस पूरे मामले पर जल्दबाजी से बचना होगा। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आज बेहद कायरतापूर्वक हरकत की है। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवानों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी। एसपीओ फिरदौस अहमद, एसपीओ कुलवंत सिंह और कांस्टेबल निसार अहमद, तीनों के शव ताबूत में हैं। और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। आतंकवादियों ने जिस तरह तीनों की हत्या की है वो उनकी कायरता की तस्दीक करती है। जो भाई है ये वजू बना रहा था बाथरूम में, उसको बोला बनाओ बनाओ आराम से, वजू बना के ही निकला, बोल रहा हमारे साथ चलो, हम भी पीछे पीछे दौड़े हैं इनको, हमने वहाँ बोला कि हम इनको छोड़ देंगे, वीडियो बनाएंगे और इनको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद उन्होंने फायरिंग की, हमने सोचा ये फौज ने फायरिंग किया कहीं, तो अब उसके बाद 1.25 घंटे के बाद तकरीबन हमारे को पता लगा वहाँ पर 3 डेड बॉडी है। इनोसेंट आदमी को जो अपने घर में अपने घर परिवार के लिए जा रहा है तो उसको आप पकड़ते हैं कत्ल करते हैं, तो ये बिल्कुल कंडमनेबल है। और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं हम उनको जल्दी ही ट्रेस भी कर लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इस घटना के बाद घाटी में तनाव है, लेकिन इस तनाव को बढ़ावा दिया एक के बाद एक कई एसपीओ के इस्तीफे की अफवाह ने। जी मेरा नाम मुख्तार अहमद लोन है, मैं श्रीनगर रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। आज के बाद मैंने ये तय किया है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, क्यों मेरे फैमिली बोल रहे हैं कि हालात खराब है, इसलिए आप ड्यूटी पे मत जाओ। हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के किसी भी पुलिसकर्मी ने हत्या की वजह से कोई इस्तीफा नहीं दिया है, यानी आतंकवादियों का एक प्रोपेगेंडा ये भी है। वैसे जम्मू कश्मीर के पुलिस वालों को डराने का सिलसिला जारी है। और आज फिर आतंकी रियाज नायकू का एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें उसने पुलिस वालों से इस्तीफा ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। दरअसल सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकवादी अब बुजदिली पर उतर आए हैं और कभी कश्मीर पुलिस के परिवार वालों को अगवा कर रहे हैं तो कभी एसपीओ को निशाना बना रहे हैं। बीते 29 से 31 अगस्त के बीच आतंकवादियों ने पुलिस वालों के 9 परिजनों को अगवा किया था। दरअसल पिछले एक साल में आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने जितने भी बड़े ऑपरेशन किए हैं उसमें उनके बारे में खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर आतंकवादियों का ठिकाना पता लगाने तक में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी भूमिका निभाई है और इसी से घबराए आतंकवादी अब पुलिस वालों को निशाना बनाने में जुट गए हैं। यही वजह है कि इस साल आतंकी अब तक 30 पुलिस वालों को निशाना बना चुके हैं, इनमें 9 स्पेशल पुलिस ऑफिसर शामिल हैं, जबकि 2017 में भी 30 पुलिस वाले शहीद हुए थे और 2016 में 17 पुलिस वालों की शहादत हुई थी। अब पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट से भी आतंकवादी परेशान हैं, लेकिन आज की घटना ने साबित कर दिया कि आतंकवादी बेहद डरे हुए हैं और काराना हरकत पर आमादा हैं। ये अनफॉर्चुनेट है और जो आतंकवादी हैं वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनको भी इस बात का एहसास है, इसलिए सुरक्षा बलों का मनोबल नहीं टूट सकता और जो ताकतें ये कर रही हैं उनके मनोबल को भी तोड़ना है और साथ ही साथ उनकी साजिशों को भी ध्वस्त करना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आतंकवादियों को रोका कैसे जाए। जाहिर है सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती है। ऑपरेशन ऑल आउट से लेकर सुरक्षा बलों की सक्रियता और पंचायत चुनाव की आहट के बीच आतंकवादियों के हौसले पस्त हैं। नतीजा, वो कायरता पूर्वक हरकत कर रहे हैं और उनकी पहली कोशिश ये है कि घाटी में निकाय और पंचायत चुनाव किसी भी कीमत पर ना हो पाए। धू धू कर जलती ये पंचायत बिल्डिंग बड़गाम जिले के चदुरा कंजलवान की है। कश्मीर में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद ये 7वां पंचायत घर है जहां आतंकवादियों ने आग लगा दी। यानी आतंकवादी किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव नहीं चाहते और सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि वो पंचायत चुनाव करा कर दिखाए। और वो मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमें पंचायतों के स्थानीय निकायों के चुनाव दीजिए, किसी न किसी कारण से वो रुका हुआ था। मुझे खुशी है कि आने वाले कुछ ही महीनों में जम्मू कश्मीर में गांव के लोगों को अपना हक जताने का अवसर मिलेगा, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पंचायत चुनाव का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी ने किया था। रविवार को ही जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त ने राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी।
9 चरणों में इन चुनावों को करवाने का फैसला करते हुए पूरी कवायद 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच होनी है। वोटों की गिनती भी 17 दिसंबर को ही होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या पंचायत चुनाव कायदे से संपन्न हो पाएंगे, क्योंकि एक तरफ आतंकवादियों ने खुली धमकी दी है तो दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 35A के मुद्दे पर चुनावों का बहिष्कार कर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही। जब लोगों की शमूलियत नहीं होती है ऐसे बड़े डिसीजन में तो इसकी कामयाबी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए जो इनसिक्योरिटी का माहौल है इसके खतरे को गवर्नमेंट को पहले इन कंसिडरेशन लेना चाहिए था। आज भी दिन में 4 एनकाउंटर चल रहे हैं, मास अरेस्ट हो रहे हैं, ये सारा माहौल होकर फिर आप कहते हैं इलेक्शन करेंगे, लोग कैसे फ्रीली निकलेंगे, कैसे फेयर इलेक्शन होंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो उम्मीदवारों की सुरक्षा का है। हालांकि उम्मीदवारों में भरोसा पैदा करने के लिए सरकार हर उम्मीदवार का 10 लाख का बीमा कराने की योजना बना रही है, लेकिन बीमा का मतलब जान दांव पर लगाना तो नहीं हो सकता। हमने इस इंश्योरेंस वगैरह का कभी कोई मुतालबा नहीं किया, तो बजाय इसके मुझे लगता है कि सरकार को पंचायतों को एम्पावर करने के लिए अनाउंसमेंट करनी चाहिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके अंदर हालात ठीक नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि सरकार को उसकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। दिस इज एडमिशन कि मिलिटेंट काफी इस वक्त एक्टिव हैं, क्या जरूरत पड़ी 10 लाख रुपए प्रीमियम करने की, इसका माने कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले पंचायत चुनाव 2011 में हुए थे। 2013 से हालात बिगड़ने शुरू हुए तो पंचायत सदस्य आतंकवादियों के निशाने पर आ गए। मिलिटेंट गुटों की तरफ से लगातार पोस्टर भी छपते रहे, इनमें पंचायत के सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता था। 2014 और 2016 के बीच सैकड़ों पंचायत सदस्यों ने अपने इस्तीफे अखबारों में छपवाए, मस्जिदों में पढ़वाए गए और एक बार फिर से वही डर है। अलबत्ता जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का दावा कुछ और है। बाकी जहां तक ताल्लुक है लोगों का नौकरी का, लोग अपनी जगह पे अच्छे से नौकरी कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए आवाम के अंदर भी एक तरह का बड़ा रोष है कि ये कौन होते हैं आवाम में लोगों को इस तरह की धमकियां देने के लिए। फिलहाल ताज़ा हालात सरकार के लिए परेशानी का सबब है और ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती पंचायत चुनावों को बिना हिंसा के सम्पन्न कराना है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में पंचायत चुनाव पर किस तरह से आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। देश में राफेल पर छिड़ी सियासी जंग के बीच नया मोड़ आ गया है राफेल डील में। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है भारत सरकार ने दिया था रिलायंस का नाम, सरकार ने डील को 2 प्राइवेट कंपनियों की डील बताया था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने इस बात का दावा किया है। भारत सरकार ने ही अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम प्रस्तावित किया था और डसॉल्ट एविएशन के पास दूसरा कोई भी विकल्प था ही नहीं। फ्रांस की एक मैगजीन में छपे इंटरव्यू के मुताबिक ओलांद ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से ही रिलायंस का नाम दिया गया था, इसे चुनने में डसॉल्ट एविएशन की भूमिका नहीं है। ओलांद ने कहा कि भारत की सरकार ने जिस सर्विस ग्रुप का नाम दिया उससे डसॉल्ट ने बातचीत की, डसॉल्ट ने अनिल अंबानी से संपर्क किया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमें जो वार्ताकार दिया गया हमने स्वीकार किया। ओलांद की यह बात सरकार के दावे को खारिज करती है जिसमें कहा गया था कि डसॉल्ट और रिलायंस के बीच समझौता एक कमर्शियल पैक्ट था जो कि 2 प्राइवेट फर्म के बीच हुआ, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर मनीष तिवारी ने ट्वीट कर ओलांद से पूछा है कि कृपया आप हमें यह भी बताएं कि राफेल की 2012 में 590 करोड़ की कीमत 2015 में 1690 करोड़ कैसे हो गई। मुझे पता है कि यूरो की वजह से यह कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं इस पूरे डील को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको दे दें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर शहरी नक्सलियों के समर्थन का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि राहुल को इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करना चाहिए। तो राहुल जब रुख साफ करेंगे तब करेंगे, लेकिन हम आपको आज 5 नजरबंद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक वरवर राव का एक खास कबूलनामा दिखाते हैं, देखिए। ये वो 5 मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्हें पुलिस शहरी नक्सली बता रही है। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन इनमें से एक वरवर राव का दिया इंटरव्यू अब खुद उनके गले की फांस बन सकता है। दरअसल जांच एजेंसी के हाथ ये इंटरव्यू उस कबूलनामे की तरफ से आया है जिसमें वरवर राव ने बिना किसी दबाव के खुद को नक्सली बताया है।
मेरे हाथ में वही दस्तावेज है जो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है, जिसमें वरवर राव कह रहा है कि देश में नक्सलवाद सही है। ये इंटरव्यू खुद वरवर राव ने कोरेगांव हिंसा से एक महीने पहले नवंबर 2017 में दिया। भीमा कोरेगांव हिंसा से महज एक महीने पहले मजदूरों का आह्वान पत्रिका को दिए इस इंटरव्यू में वरवर राव ने कई सनसनीखेज बातें कही हैं। इसमें वरवर राव ने कबूल किया है कि वो एक नक्सली लीडर है जिसने नक्सलवाद को फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। इंटरव्यू में कहा गया है कि देश को नवजनवाद की जरूरत है। ऐसी स्थिति केवल नक्सल आंदोलन से आ सकती है जो सशस्त्र संघर्ष से ही संभव है। माओवादी जो वसूली करते हैं वो सही है क्योंकि उसी पैसे से संगठन चलता है और उगाही के पैसे से ही हथियार खरीदे जाते हैं। ग्राम राज्य की सरकार का हमने सारंडा, जंगल महल, नॉर्थ तेलंगाना और उड़ीसा के नारायण पटना में गठन कर दिया है। दंडकारण्य में पिछले 12 सालों से जनताना सरकार काम कर रही है, जहां 1 करोड़ लोग रह रहे हैं, जिनके समर्थन से पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बना हुआ है। जनताना सरकार मौत से तुंग के 3 मैजिक की तर्ज पर चल रही है। इस इंटरव्यू में छपी बातों का वरवर राव ने कभी खंडन नहीं किया है। जांच एजेंसियां अब इसे ही वरवर राव के खिलाफ बड़ा सबूत भी मान रही हैं। इस कबूलनामे वाले इंटरव्यू में वरवर राव ने मोदी और मोदी सरकार को लेकर भी कई कमेंट किए हैं। इतना ही नहीं, वरवर राव ने संसदीय रास्ते पर भी भरोसा नहीं करने की बात कही है। वरवर राव को यदि पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है तो जांच एजेंसियां उसके कबूलनामे के आधार पर उससे सवाल जवाब कर सकती हैं। अब बात शेयर बाजार की, जहां आज का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। सेंसेक्स ने अचानक 1000 से ज्यादा अंकों का गोता लगाया। हालांकि बाद में बाजार संभला, लेकिन निवेशकों के होश फाकता है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए बताते हैं आपको। कोई एक न्यूज़ लोगों के पास आई जिन्होंने बहुत हैवी बिकवाली की फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल मीन्स जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी पर्टिकुलरली, फिर बैंक्स में, फिर और NBFC में उन्होंने जोर से बिकवाली की। ये चीज़ें साल में 2-4 बार जरूर होती है। रूमर्स आ रहे हैं कि भाई NBFC को तकलीफें होगी आने वाले दिनों में, और उसको चलते हुए हमने देखा कि बहुत ही वॉलेटिलिटी रही है। बड़ा ही नाजुक समय निवेशकों के लिए, मैं मानता हूँ। और अब शूरवीरों की शौर्य गाथा। UGC ने तमाम विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाने का निर्देश देकर नया विवाद पैदा कर दिया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सबक तो सिखाया ही था। और आज पाकिस्तान की काराना करतूत के बीच एक बार फिर से कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की जरूरत है। तो आज बात नए विवाद और सर्जिकल स्ट्राइक की कहानियों की। सर्जिकल स्ट्राइक पर 29 तारीख को विभिन्न कॉलेज और स्कूल में NCC जहां होती है वहां NCC की स्पेशल परेड होगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान और UGC के इस निर्देश पत्र के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। UGC ने निर्देश जारी किया है कि 29 सितंबर को सभी विश्वविद्यालय सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाएंगे, क्योंकि उसी दिन 2 साल पहले सेना ने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। छात्रों को लेटर लिखने के लिए, चिट्ठी लिखने के लिए भी कहा गया है कि सेना और सैनिकों के लिए लिखें। इस चिट्ठी को वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर सीधे रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता को भेज सकते हैं। लेकिन विपक्षी दल सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑब्वियसली एट द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। UGC एज यू नो इज नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सरकार इसे राष्ट्रभक्ति की भावना मानती है तो विपक्षी राजनीति, लेकिन जिन्हें इस फैसले को लागू करना है यानी विश्वविद्यालय, वो क्या सोचते हैं? एक लेटर UGC से रिसीव किया, एडवाइजरी है 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक डे सेलिब्रेट करने के लिए। वी विल बी सेलिब्रेटिंग दैट इन JNU। यानी JNU के वाइस चांसलर UGC के फैसले को लागू करने की बात करते हैं और 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाएंगे, लेकिन उसी JNU के छात्र संघ अध्यक्ष सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के विरोध में हैं। हम भी सर्जिकल स्ट्राइक डे बनाएंगे, जो मोदी सरकार के चलते हुए इस देश के जनता के ऊपर जो हमला हुआ और जिनके चलते हुए जो रोजगार छीना गया है। सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन या फिर विरोध करने के लिए सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक को जानना जरूरी है। 2016 में 19 सितंबर को उरी में हुए हमले और 19 जवानों को खोने के बाद देश सदमे में था और देश बदले की आग में उबल रहा था। बदले का प्लान तैयार हुआ। 28-29 सितंबर की रात में भारतीय सेना की स्पेशल टीम सीमा पार कर गई।
तीन किलोमीटर अंदर जाकर रात के करीब 3:30 बजे पीओके में बैठे आतंकियों के ऊपर हल्ला बोल दिया। आतंकी जब तक कुछ समझ पाते तब तक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां और रॉकेट लॉन्चर बरसने लगे थे। सेना ने अपने इस ऑपरेशन में करीब 35 आतंकियों को मार गिराया और अगले दिन इसकी जानकारी दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। सर्जिकल स्ट्राइक तो एक ऐसा टर्म है जो किसी औचक हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस ऑपरेशन का असली नाम क्या था? ऑपरेशन एक्स, यही वो अनौपचारिक नाम है जिसे आज हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर जाना जाता है। ऑपरेशन एक्स को भारतीय सेना के स्पेशल दस्ते ने अंजाम दिया था। आतंकवादी विरोधी इतिहास में इससे बड़ी सफल कार्रवाई भारत ने कभी नहीं की थी, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें बिना एक भी सैनिक की जान गंवाए 35 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। 4 और 9 स्पेशल पैरा कमांडोज के 19 कमांडोज सीमा पार गए और आतंकियों के 4 बड़े लॉन्च पैड्स पर ताबड़तोड़ हमले किए और ऑपरेशन एक्स को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सूरज की पहली किरण से पहले सुरक्षित देश में वापस आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और सच बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की रात भर जगते रहे। वो थे तो दिल्ली में, लेकिन फोन पर पल पल की जानकारी लेते रहे और वो तब तक नहीं सोए जब तक सभी जवान सुरक्षित वापस नहीं आ गए, और खुद सुबह पाकिस्तान को फोन कर बताने के लिए कहा। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं था। बिना किसी पुख्ता रणनीति के उसे करना खतरनाक भी हो सकता था। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। अगर राजनीतिक मंजूरी हो तो ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की जाए, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं लगना चाहिए कि हर बार की तरह इस बार भी वो बच जाएगा। उरी आतंकी हमले के अगले दिन ही तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना के चीफ दलवीर सिंह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की और एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान को जवाब देने को कहा। हमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का दमन करना है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी की अनुमति मिलने के बाद एनएसए डोभाल ने सेना चीफ के साथ पूरी व्यूहरचना की और सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी डीजीएम और रणवीर सिंह को सौंपी गई। ये हमारे संभावित टारगेट हैं। राइट। ये आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं। और एक हफ्ते के अंदर सेना ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत सारे सवाल उठे। कुछ नेताओं ने तो बकायदा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तक मांग लिए। उन्हें सबूत दिया गया, लेकिन 21 महीनों के बाद। साल 2016 में 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात हुए सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो 21 महीने बाद इसी साल 28 जून को जारी किया गया। इस तस्वीर में वहां मौजूद आतंकियों को देखा जा सकता है। वहां कुछ इसी तरीके के टीम के लॉन्चिंग पैड बनाए गए थे जहां आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देती है, और इस जलती हुई आग से समझा जा सकता है कि कैसे रॉकेट लॉन्चर के जरिए सेना ने उन लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया था जिसमें आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी। नाइट विजन कैमरे से ली गई तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कैसे हमले के बाद आतंकियों के ठिकाने के चीथड़े उड़ गए और अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। सेना ने टारगेट पहले से सेट कर रखे थे और एक ही बार में आतंकियों को खत्म कर दिया, लेकिन इस वीडियो के जारी होने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की वीर गाथा को
वोट हथियाने के लिए इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश। आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक में सेना ने तेंदुए की मदद ली थी। ऑपरेशन में मल और मूत्र का भी इस्तेमाल किया गया, क्यों जानिए। क्योंकि सेना को पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक के रास्ते उस पार के कई गांव पड़ेंगे और वहां के कुत्ते उन्हें देखकर भौंकने लगे तो आतंकियों और पाकिस्तानी सेना को पता चल जाएगा और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए सेना ने तेंदुए के मल और मूत्र का इस्तेमाल किया, क्योंकि कुत्ते तेंदुए से बहुत डरते हैं, उनकी गंध को वो दूर से पहचान लेते हैं और छिप जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना के जवानों ने पूरे रास्ते में तेंदुए का मल और मूत्र फैला दिया, जिससे कुत्तों तक को भी सैनिकों की आवाजाही की भनक तक ना लगी। ये बातें सर्जिकल स्ट्राइक टीम को लीड करने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर आर निम्बोलकर ने एक कार्यक्रम में बताई। सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह से सफल रही, लेकिन मौजूदा हालात जिस तरह के पाकिस्तान ने बना दिए हैं, एक बार फिर से देशभर से यही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू की जरूरत है। पहले बीएसएफ जवान का गला रेत दिया और फिर तीन पुलिस वालों की हत्या कर दी और अब कश्मीर घाटी में एसपीओ के इस्तीफे हो रहे हैं। और ये सब कुछ या तो पाकिस्तान की सेना कर रही है या उसके टुकड़े पर पलने वाले आतंक। और इन तस्वीरों को देखकर खून तो खौलता ही, क्योंकि ये पुलिस के वो जवान जो आतंकियों के आगे झुके नहीं तो इन्हें निहत्था पाकर आतंकियों ने मार दिया। यानी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो ही रहा है, जवानों की शहादत रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में सेना को अब बोली नहीं गोली से जवाब देना होगा, क्योंकि बिना सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू के कायर पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।